दिसंबर में कुल जीएसटी कलेक्शन 86,703 करोड़ रुपए का हुआ है। अक्टूबर और नवंबर के कलेक्शंस के मुकाबले इसमें बढ़त आई है, पर अभी भी वित्त वर्ष 2018 में 9,26,000 करोड़ रुपए के कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य तक पहुंचना काफी मुश्किल है। दिसंबर में कुल जीएसटी कलेक्शन 86,703 करोड़ रुपए का हुआ है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक जीएसटी के अंतर्गत कुल 5,27,757 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी को बांटने के बाद केंद्र सरकार का हिस्सा आधे से भी कम बचता है। अगर कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी को सीजीएसटी में जोड़ दें तो पहले 9 महीनों में कुल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 5,75,000 करोड़ रुपए होगा, जो कि साल भर के 9,26,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का सिर्फ 62% है। इसका मतलब है कि लक्ष्य में 3.5 लाख करोड़ रुपए कम, और इसे पूरा करने के लिए अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, यानी औसतन हर महीने अब 1,17,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जमा करने होंगे, जो बहुत ही कठिन है क्योंकि पिछले 9 महीनों में ये औसत 63,800 करोड़ रुपए ही रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी सीबीईसी की चीफ कमिश्नर वनजा सरना ने अक्टूबर में ही ये बात साफ कर दी थी कि अब जब सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य कम नहीं कर रही है तो इसे पूरा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सरकार के लिए ये आंकड़े चिंता का विषय बन सकते हैं। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।